अरे तुम यहाँ खड़ी हो? किचन में चलो ना, नाश्ता बनाना है। बड़ी बहू का पहला दिन है आज घर में। सुन रही हो? आवाज आ रही है मेरी? मुझे कुछ नहीं सुनना। देखो कोमल, जब अपने बाप का घर छोड़ के तुम यहाँ आई थी ना, तो तुमने एक फैसला किया था कि चाहे कुछ भी हो ना, तुम बना के रखोगी। अब क्यों परेशान हो रही हो? औरत की इज्जत ना अपने घर से जुड़ी हुई होती है, अपने शौहर से जुड़ी हुई होती है। एक मर्द चाहे कितना भी बुरा हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, बहरा हो ना, माशरे में उसी की इज्जत है। तुम्हारे लिए भी बेहतर यही है कि तुम अपने मिये के साथ बना के रखो। हे, अब कायनात को देखो, उसमें कोई कमी नहीं है, है ना? लेकिन वो तुम्हें कुछ नहीं कह रही। अहमद ने भी तुम्हें अभी अपनाया हुआ है ना? मेरा मशवरा ये होगा कि तुम प्यार मोहब्बत से बना के रखो, अपना काम मत खराब करो बेटा, समझा करो। मेरा सब कुछ उसे दे दिया, मेरा कमरा, मेरी चीजें। है, तुम्हें चीजों की फिक्र है? पागल लड़की, वो अगर तुम्हारा शौहर लेके चलेगी तो तुम क्या करोगी? तो ले जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी माँ अगर सुबह सुबह ना आती ना, तो ये सारा ड्रामा ना होता इस घर में। मैं उस बदतमीज के लिए कोई काम नहीं करूंगी। देखो बीबी, काम तो करना पड़ेगा, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है और मेरे पास ना 1000 नौकर चाकर नहीं है। इधर मेरा हाथ तो बटाना पड़ेगा, रोने के लिए ना सारी उम्र पड़ी हुई तुम्हारे पास। ऐ क्यों करूं? वो नवाबजादे क्यों नहीं करते? उसको कौन से सरखाब के पर लगे हुए? लगे हुए ना, उसी को तो पर लगे हुए। अरे इतनी तालीम याफ्ता है, डिग्रीज देखो उसकी अहमद से ज्यादा है, और तुम 12वीं जमात भी पास नहीं हो। कैसी बातें कर रही हो? तुम अपना काम खराब कर रही हो। चलो बस, बहुत हो गया, नखरे कम करो, चलो किचन में आओ। अरे कोमल चलो ना।